नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो वैदिक लेवल वन का है। काफी लोग सोचते हैं बड़ा इजी है, हमको मालूम है, और वो ब्लंडर कहाँ कर रहे हैं। एक तो होता है कि मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं क्योंकि फंडामेंटल रूल हमें क्लियर ही नहीं होते। हमारा जो सबसे बड़ा दोष होता है वो दोष होता है कि हम लोग सिर्फ प्लैनेट्स को देखते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। प्लैनेट्स को बाद में देखिए, अगर कोई ग्रह नीच का है या उच्च का है तो आप किस आधार पर कहते हैं। उसका जो आधार सूत्र है वो राशि है, राशि के बिना नहीं आप कह सकते। भाई, कर्क राशि में मंगल जो है, अगर वो नीच का हुआ तो किस आधार पर आपने कहा, कर्क राशि के आधार। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको बढ़िया बढ़िया सूत्र दूंगा, उससे पहले 2 मिनट मैं देना चाहूंगा आपको बड़े अच्छे तरीके से। ये देखिए, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। ये देखिए, इसके अंदर इस बार जो है मैंने काफी मॉडिफिकेशन किया है। आपको पूरी बुक मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 124 पेजेस का बुक है ये, 124 पेजेस का बुक है ये। इसका इंडेक्स है राशियों का, हर चीज आपको बारीकी से मिलेगी इसमें। सबसे ज्यादा मैंने राशियों पे फोकस करा है सो डेट आपको समझ आ सके। तो ये सारा इंडेक्स है, आपको 124 पेजेस का बुकलेट मिलेगा आपको। एक सेकेंड, मैं दिखा देता हूं, इंडेक्स दिखा रहा हूं आपको। ये पीडीएफ बुकलेट पूरा का पूरा आपको हैंड ओवर होगा, जिससे आपके पास अच्छे से आए ग्रह के कारक तत्व, भाव के कारक तत्व, उसके गुण धर्म, हर चीज आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा, एक सेकेंड, ये देखिए ग्रह की अवस्था भी बताई जाएगी इसमें, सारा है। मैंने इस ढंग से तैयार किया है, बेसिकली ये बेसिक कम एडवांस वाली लुक दे आपको। ये राशि में, अगर चंद्रमा मेष राशि में तो क्या होगा, सारा कुछ है इसमें, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। कितनी भी किताबें पढ़ लें, ये उन सभी किताबों का निचोड़ है, ये कह सकते हैं आप। देख लीजिए, 124 पेजेस है इसमें, सिंपल सा। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि क्या है और क्या नहीं है इसके अंदर। जो है हमारे को समझने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं अभी आपको सारी चीजें शेयर करता हूं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं उन लोगों को लिए, दोज हु आर रियली वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्न दिस कोर्स। ये एक किस्म से बेसिक कम एडवांस है, और मैंने पीडीएफ के अंदर इतना कुछ दे दिया है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। 124 पेजेस का बुकलेट है, क्लियर है। दूसरा क्या है, इसमें आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, ई सर्टिफिकेट। तीसरा क्या है कि 5 डेज का क्लास रहेगा, ठीक है। कल यानी 9 अक्टूबर को क्लास स्टार्ट होगी 7 PM पर। फी इसका रहेगा 2577, 5 डेज का रहेगा। ये सिस्टम है, दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी, बेसिक कम एडवांस वाली बात है। आप इसके बाद बहुत कुछ सीख जाएंगे, मतलब जो आपकी जो कमियों का एरिया था ना, वो आपको पता लग जाएगा। मेरे पास काफी लोग आए जो ये कहते थे कि सर हमको बेसिक नहीं सीखना, हमको आता है, लेकिन उनको अपनी गलतियां पता लगी, कहां वो गलतियां करते थे। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को। होता क्या है, देयर आर बेसिकली थ्री पार्ट्स इन द एस्ट्रोलॉजी। फर्स्ट इज मैथ, विच इज कॉल्ड ब्रह्मा। सेकेंड इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, फलित इंटरप्रिटेशन, उसको कहते हैं विष्णु। थर्ड पार्ट होता है रेमेडी, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड शिवा। ये तीन पार्ट होते हैं।
अब जैसे मान लीजिए बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा जी हमको एस्ट्रोलॉजी आती है, ये कुंडली है, कोई नौ सखिया भी है ना उसको मैं मास्टरी दूंगा कि ये जितने ग्रह हैं आप ये बताइए कौन सा ग्रह इसको कुछ दे सकता है और कौन सा ग्रह इसकी लंका लगा सकता है। आप अगर किसी कुंडली को देखकर ये बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हम यही कंफ्यूज होते हैं। दूसरा, हमको कितनी बारीकी मालूम है फंक्शनल मैलाफिक की। फंक्शनल मैलाफिक जिसे मैं क्लास में रिवील करूंगा बेहतरीन तरीके से। अब हमें दूसरा पॉइंट आता है उसके बाद फंक्शनल मैलाफिक के बाद सेकेंड एंड सेवेंथ हाउस वी नो ओनली द मारका भावा, कि ये मारक भाव है, बात खत्म। हम इससे ज्यादा नहीं जाते, मारक भाव है। इसके अलावा भी बहुत कुछ मारक होता है, ऐसा नहीं है यही मारक भाव होता है। आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली में ज्यादा ग्रह चर राशि में है, स्थिर राशि में है, द्विस्वभाव राशि में कहाँ ज्यादा बैठे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। स्थिर राशि में बैठे हैं तो स्थिरता प्रदान करने का वो ग्रह प्रयास करते हैं। अगर अशुभ ग्रह है तो स्थिर राशि है तो वो तो फिर भोगने वाली बात आ जाएगी। आगे चलते हैं, इन चीजों को हमें बारीकी से समझना है। अब मैं एक और चीज आपको अच्छे से सिखाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सीखने का प्रयास करिएगा। हमारा क्या होता है, राशियों को समझना होता है। अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं वो होती हैं 1, 5, 9, अर्थात मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, क्लियर है? अग्नि तत्व की राशि में मंगल बैठ जाए, मंगल स्वयं अग्नि तत्व का ग्रह है, क्लियर? कुंडली में मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। अब ये कुंडली में कहीं पे भी बिठा लीजिए इसे, कहीं भी बिठा लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए क्या वो लग्न को देख रहा है अग्नि तत्व की राशि में बैठ के। जैसे मैं चार्ट में मैं दिखा देता हूं, आप चार्ट से सीखिए बड़े आराम से। अग्नि तत्व की राशि में बैठ के अगर मंगल देख रहा है, अब ये रहा अग्नि तत्व की राशि, यहां मैंने मंगल को बिठा दिया, क्लियर? सिंपल सी बात है। अब अग्नि तत्व की राशि है मेष, मंगल ने लग्न को देख लिया, तो इंटरप्रिटेशन क्या है, द पर्सन कुड बी ए शॉर्ट टेम्पर, गुस्से वाला, हर काम को जल्दबाजी से करना चाहता है, फास्ट रिजल्ट चाहता है। क्यों मैंने ऐसा कहा फास्ट या जल्द, क्योंकि राशि कौन सी थी, चर राशि अर्थात मूवेबल राशि। तो मूवेबल राशि की वजह से अग्नि तत्व के कारण मंगल के अंदर ये सारे गुण आ गए, क्लियर है? इन चीजों को हमने बिल्कुल आराम से समझना है। फिर क्या होता है, हमारे को इन चीजों में ग्रह हमेशा मूल त्रिकोण राशि का फल पहले देता है, चाहे आपकी कुंडली नेटल की हो या ट्रांजिट के ग्रह हो। अब शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला, इस समय इसमें केतु बैठा है, ये मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, इसने बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। बात क्लियर हुई? मूल त्रिकोण राशि है। अभी आप देखिए यहां पर राहु आएगा 1 नवंबर को और यहां केतु आएगा 1 नवंबर को। अब आप बड़े ध्यान से समझिए, ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है, क्योंकि बाकी सभी ग्रहों की ऑड संख्या, विषम संख्या जो है वो मूल त्रिकोण राशि होती है, और यहां बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी बनती है, कन्या, वो और किसी राशि का है ही नहीं, 3 और 6 राशि है, वो मूल त्रिकोण की बजाय कन्या राशि को अपनी इंपॉर्टेंस देता है। तो यहां केतु जब आएगा बैंड बजेगा, किसका बजेगा, बुध का, और किसी के भाग्य स्थान पे है, लग्न में है, त्रिकोण में, अर्थ अलग अलग हो जाते हैं।
हर लगन का आपको जो पढ़ाया जाना है, पूरे 12 लगन पढ़ाने हैं मुझे, पूरे 12 लगन। हर लगन में मैलाफिक प्लैनेट अलग होते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि ग्रह के लगन के शत्रु ग्रह कौन से हैं। सबसे पहले क्या समझना होता है, लगन के शत्रु ग्रह कौन से हैं। फिर हमने देखना है कि इस लगन के कारक ग्रह कौन से हैं। पहला क्या हुआ, पहली कैटेगरी हुई लगन के शत्रु। बड़े ध्यान से आप समझिए, लगन के शत्रु कौन से ग्रह हैं। दूसरी कैटेगरी क्या होती है हमारी, के कारक ग्रह जो फल देंगे, योग कारक। कारक का मतलब योग कारक। तीसरा क्या है, फंक्शनल मैलेफिक। फंक्शनल मैलेफिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फंक्शनल मैलेफिक बहुत जबरदस्त रोल अदा करते हैं कुंडली में। तो ये 12 लगन हमको समझने हैं। हमने पढ़ना है शीर्षोदय राशि क्या है, पृष्ठोदय क्या है राशि, धातु मूल जीव राशि क्या है, हमें ये समझना है। अब जैसे यहां पर मीन राशि जीव राशि है और यहां जीव राशि में राहु आएगा। जीव कौन, मेल है या फीमेल, मतलब आई मी माई सेल्फ, ये बात समझिए। जीव राशि तो होता क्या है, मैंने उंगली पकड़ के सिखाना, किसी को मैं अपनी क्लास में म्यूट नहीं करता, सब लोग आराम से जब समझ में आए आगे चलते हैं। सबसे पहले राशियों को समझाना है बारीकी से, भाव को समझना है हमने, और वो भी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, आज के अनुसार चलना है। आयुर्वेद और ज्योतिष जुड़े हुए थे पहले, वात पित्त कफ। पित्त वाली राशि कौन सी होती है, सिंपल सी बात है, अग्नि तत्व की राशियां ही पित्त वाली राशियां होती हैं, और कोई राशियां नहीं होती हैं। बात क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। हर राशि का बार बार मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मैंने यहां पर शुक्र बिठाया, शुक्र उच्च का हुआ, आपने कहा जी शुक्र मेरा उच्च का, लेकिन ये राशि किसकी है, बृहस्पति की। कौन सी राशि, मीन राशि। मीन राशि में बैठने के कारण शुक्र उच्च का हुआ। तो हमको ये चीजें बारीकी से समझनी है, जिसे मैं क्लास में रिवील करूंगा, जो हमारी मिस्टेक्स नहीं ब्लंडर्स होती हैं, और हम वो ब्लंडर्स करते चले जाते हैं। आगे चलते हैं, 12 हाउसेस है। अब मैं एक सिंपल सा आपको समझा रहा हूं, लगन मीन्स आई मीन्स माई सेल्फ। लगन आपके हेल्थ और वेल्थ, आपकी समाज में प्रतिष्ठा, इन तीनों को बताता है। लगन आपकी हेल्थ वेल्थ और समाज में प्रतिष्ठा बताता है। हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना, हाउ आर यू, फाइन, व्हाट यू डू, वेयर डिड यू स्टे, वो लगन ही है भाई साहब। सेकेंड हाउस हमारा क्या है, वाणी का है। सेकेंड हाउस हमारा फैमिली का है। सेकेंड हाउस क्या है, आज के परिवेश में बैंकिंग सेक्टर है। अपन छटा घर देख रहे हैं, फाइल तो बैंक में जानी है ना, वो भी तो देखना हमें, हमें बढ़िया से समझना है। थर्ड हाउस क्या है, सिबलिंग है, विच इज अ कॉमन थिंग। पर थर्ड हाउस जो है वो क्या है, एडवांस एस्ट्रोलॉजी वाली जो मैंने कहा कि बेसिक हम एडवांस समझाना है, थर्ड हाउस को ट्रांसफर के लिए देखते हैं, थर्ड हाउस ट्रांसफर भी होता है। फोर्थ हाउस क्या है, हमारी एजुकेशन है, मन की शांति है, हमारा मेडिटेशन फोर्थ हाउस है। अगर फोर्थ हाउस पर मैलाफिक एफ्लिक्शन है, पापी ग्रहों का प्रभाव है। पापी ग्रह कौन से होते हैं, केवल 4 ही होते हैं, मंगल राहु केतु शनि। अगर इनका प्रभाव है तो आपको मेडिटेशन नहीं करने देंगे, आपका बेसिक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। चतुर्भाव पर ज्यादा पाप प्रभाव है, दो ही मीनिंग है इसके। अगर आपकी कुंडली में विदेशी होगा, डेफिनेटली भी आप जो है विदेश जाएंगे या दूसरी स्टेट में सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी आप अपने जन्म स्थान का त्याग करके कहीं और घर बनाएंगे। पंचम भाव, पंचम भाव हमारी इंटेलिजेंसी को बताता है, इंटेलेक्चुअलिटी को बताता है। क्लियर है, पंचम भाव लव अफेयर को बताता है, सिंपल सी बात है। छठा घर रोग ऋण रिपु शत्रु, हम ये पढ़ते हैं।
छठा घर हमको कंपटीशन का भी बताता है। अब सबके लिए छठा घर खराब नहीं होता। छठा घर जो है आपका ये सिक्स हाउस जो है कुंडली का, वो क्या होता है, डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि डॉक्टर है ना, बीमारी ठीक करनी है छठा घर। और एक एडवोकेट के लिए छठा घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट केसेस लड़ने हैं ना उसने। हमेशा आपको ये नहीं देखना कि छठा घर खराब है। सॉरी, तो इन चीजों को समझना है। सातवां घर स्पाउस का हो जाता है, स्पाउस के अलावा बिजनेस का भी है। सातवां घर जो है वो आपका बिजनेस की पार्टनरशिप भी है। पर सातवां घर और गहराई से जाएंगे, इसको कहते हैं पद प्राप्ति। सेवंथ हाउस पद प्राप्ति भी है, ये समझ लीजिएगा। सेवंथ हाउस समाज में पुनः प्रतिष्ठा की स्थापना भी है। अष्टम भाव क्या है, हम कहते हैं मृत्यु का है, ठीक है, अच्छी बात है। आठवां भाव स्कॉलरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। मैं इसे बड़े प्यार से कहता हूं, अप एंड डाउन्स लाइफ में, जितने आपके अप एंड डाउन्स आए हैं, सीधी बात है, एट्थ हाउस का लिंक आ गया। सिंपल सी बात है। नाइन्थ हाउस क्या है, हमारा भाग्य। नाइन्थ हाउस क्या है, हमारे फॉरेन कंट्री। नाइन्थ हाउस क्या है, कंसल्टेंसी। सपोज आपकी कुंडली में नवम भाव में कोई ग्रह बैठा, उसकी दशा है, तो आप कंसल्टेंसी पे फोकस करिए या टीचिंग पे फोकस करिए, कोई कुछ भी कहे जी आपका प्रोफेशन ये है। भाई साहब, हमेशा याद रखिए, दशा दिशा बदलती है, ये मैं शुरू से ही कहता हूं। आगे चलते हैं। टेंथ हाउस क्या होता है, हमारे कर्म क्षेत्र को बताता है, हमारे कैरियर को बताता है, हमारे प्रोफेशन को बताता है, हम इस जन्म में हमारे वर्तमान कर्मों को बताता है, हम किस प्रकार से उन कर्मों को करेंगे। ग्यारहवां घर हमारी इच्छा पूर्ति है। ग्यारहवां घर जो होता है इच्छा पूर्ति के साथ, अब मैं थोड़ा मॉडर्न बता देता हूं। आप मान लीजिए इंस्टाग्राम पर हैं, आप मान लीजिए ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, आप कह रहे हैं साहब मेरे फॉलोअर्स नहीं है ज्यादा। अगर यहाँ मैलेफिक अफ्लिक्शन है, यू विल नॉट हैव मोर फॉलोअर्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। इलेवंथ हाउस फॉलोअर्स भी है, तो मैं बहुत डीप चीजें पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, सिंपल चीज नहीं पढ़ाता। पहले आराम से, जिनको एबीसीडी नहीं आती ना, उनको दिल से मुझे पहले जो है राशियां समझानी है, भाव समझाने, जैसे ही समझ आएगा अगले स्टेप पर चलेंगे। बारहवां घर जो होता है हमारा क्या है, हॉस्पिटल है, हमारा क्या है, खर्चा है, ये सारी चीजें हैं, फॉरेन है, सब कुछ है। पर बारहवां घर इन्वेस्टमेंट भी है, आपके पास पैसा आया ना, ये लाभ है ग्यारहवां घर। तो बारहवां घर खर्चा, आपने घर के सारे खर्चे कर लिए, पैसे बच गए, अब क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो बारहवां घर इन्वेस्टमेंट भी है। हमको हर चीज बारीकी से समझनी और देखनी है, क्लियर है। फिर हमको भाव को चेक करना है, कौन सा भाव निर्बल है, कौन सा भाव शक्तिशाली है। बात क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा भाव निर्बल है, कौन सा शक्ति, जिस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा वो भाव निर्बल है। बात क्लियर, लग्न में कोई ग्रह बैठा नहीं है, निर्बल है। सप्तम हाउस में कोई ग्रह बैठा नहीं है, निर्बल है। अब वापिस आ जाते हैं टेंथ हाउस पर टेंथ हाउस को शुक्र ने देख लिया, इसकी निर्बलता कैंसिल कर दी। बात क्लियर हुआ, क्योंकि शुक्र की दृष्टि, हमें यही नहीं पता भाव निर्बल है या नहीं है, हमको डिसाइड करना है किसी भी। अब मान लीजिए शुक्र देख रहा है, मैंने यहां मंगल बिठा दिया, भाव निर्बल है और भाव में जान भी है, दोनों पॉइंट आ गए। मंगल नीच का है, जिस भाव में नीच का ग्रह बैठेगा वो भाव निर्बल, जिस भाव में उच्च का ग्रह बैठेगा वो भाव बली माना जाता है। मान लीजिए यहां मैंने बृहस्पति बिठा दिया, अब ये उच्च का हो गया, अब भाव बली हो गया। कौन सा भाव बली हुआ, लग्न से दशम भाव बली हुआ।
ये बारीकियां सीखनी है आपने, और मुझे बारीकियां ही पढ़ानी है उंगली पकड़ के आपसे। आगे चलते हैं, इन चीजों को समझने हैं। अब मान लीजिए मैंने ये कहा, शुक्र हटा रहा हूं मैं, ये कहा बृहस्पति यहां बैठा है, मंगल यहां बैठा है, दोनों ग्रह उच्च के, मंगल मकर राशि में उच्च का है, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का, उच्च के ग्रह आमने सामने आ जाएं, सत्यानाश हो जाता है दोनों हाउसेस का। हाउ मेनी पीपल हैव स्टडीड ऑन इट, उनको पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं ओहो, फोर्थ हाउस भी में इसका उच्च का ग्रह बैठा है, 10th हाउस में भी उच्च का ग्रह बैठा है, नाश पट गया दोनों हाउसेस का, दोनों चौधराहट रख रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं चौधरी, वो कह रहे हैं मैं चौधरी, आमने सामने ग्रह कभी उच्च के नहीं होने चाहिए, आदमी सक्सेस नहीं पा सकता इतनी आसानी से। ये डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जिसे मुझे पढ़ाना है। अब किसी भाव में मित्र ग्रह बैठ जाए तो भाव ताकतवर हो जाता है, प्लस राशि भी ताकतवर होती है। जैसे मैंने कहा यहां मैंने बृहस्पति रखा, तो ये चंद्रमा का मित्र ग्रह है, 4 नंबर राशि चंद्रमा की होती है, तो चंद्रमा का मित्र ग्रह कौन बना? बृहस्पति, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हुआ, मित्र ग्रह बैठा, दूसरा बृहस्पति उच्च का हुआ, किसके कारण हुआ? कर्क राशि के कारण। तो राशि भी बली हुई, भाव भी बली हुआ, ग्रह भी बली हुआ, तीन चीजों का फल प्राप्त होगा। अपन सिर्फ ग्रह ही पढ़ते रहते हैं, पढ़ो भाई ग्रह ही पढ़ो, इन चीजों को बारीकियों से हमें समझना है। जितने भी आप YouTube पे वीडियो देखते हो बेसिकली वो राशि बेस होती है, बट दे डिडंट रिवील यू, दे टॉक अबाउट ओनली द प्लैनेट्स, व्हेन द पॉइंट्स वेरी क्लियर अबाउट यू द साइन, आपके लिए हर चीज इजी है। आप खुद बना लो वीडियो उनकी जगह, आपको किसने मना किया है, परंतु बेस स्ट्रांग होना चाहिए आपका। अब सूर्य जो है वो लगन में आत्मा का कारक होता है, सूर्य उसका कंफर्ट जोन है, काल पुरुष कुंडली से मेष राशि बनी लगन में, तो उच्च का हुआ ना, काल पुरुष कुंडली से, काल पुरुष कुंडली तो यही आती है मेष राशि की, बाकी आपके जन्म के हिसाब से लगन आता है ना, और लगन 2 घंटे के लिए होता है। ये हो गई काल पुरुष की कुंडली, तो सूर्य आत्मा पिता का कारक है। ये पीडीएफ मिलेगी आपको, मैंने सूर्य के कम से कम 60-70 कारक लिख करके दिए हैं, इससे बाहर जहां किताबों में मिलते हो मुझे नहीं पता, मैंने आपको डेप्थ ऑफ द डेप्थ देने का प्रयास किया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वक्री ग्रह और मार्गी ग्रह क्या करेंगे। जैसे यहां पर जुपिटर के साथ आर लिखा हुआ है, वक्री, वक्री का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर गए किसी काम के लिए, 4 कदम चले, चलने के बाद आपको ध्यान आया ओहो घर का ताला पता नहीं ठीक लगा है नहीं लगा, दैट इज कॉल्ड यू टर्न। क्लियर है। अभी देखिए शनि यहां वक्री है कुंभ राशि में, वक्री होने का मतलब वो मकर पर भी अपना प्रभाव रख रहे हैं, फिर जब वक्रीपन से हट जाएंगे तो शनि वहीं वापस हो गए ना कुंभ राशि में, तो वक्री को भी मुझे समझाना है। अस्त ग्रह क्या है? अस्त ग्रह समाज में प्रतिष्ठा नहीं आने देता, आपके मान सम्मान में कमी कर देता है, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाए वो अस्त है। जैसे ये देखिए मरकरी के आगे यहां सी लिखा है, सी का मतलब कंबस्ट है, कंबस्ट अर्थात अस्त ग्रह है, तो अस्त ग्रह की दशा में मान सम्मान में कमी आ जाती है, परेशानियां बढ़ाएगा, अस्त है ना। अब आप अस्त को साधारण शब्दों में समझिए, जली हुई रोटी थोड़ी खाई जाती है, जली हुई सब्जी थोड़ी खाई जाती है, अस्त ग्रह है, सो यू हैव टू टेक केयर इन इट। तो मुझे हर एक चीज बड़े ध्यान से समझानी है। अब ग्रह किन स्थानों पर बली होते हैं ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइंग रूम में बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है, कोई अपना बेडरूम में बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है, किसी के पास अपना स्टडी रूम है, तो गुरु यानी जुपिटर
एंड मरकरी ये लगन में बलि माने गए हैं। सूर्य और मंगल ये 10th हाउस में बलि माने गए हैं। इन्हें दिग्बलि भी कहते हैं, सूर्य मंगल को, क्यों? ये मध्याह्न का समय है, दोपहर बोलते हैं उसको। दोपहर में अग्नि तत्व के ग्रह ही तो बलि होंगे। शुक्र इस भाव में बलि होता है, जैसे यहां 4th हाउस में है। क्यों बलि हुआ? कारण ये रात्रि है, भोग का कारक है ना। भोग तो रात्रि में होता है, दिन में थोड़ी भोग होता है। गृहस्थ आश्रम का भोग रात्रि का होता है, दिन का नहीं होता। तो जो ग्रह का कंफर्ट जोन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उन चीजों को दोबारा से समझिए आप, फिर आपको सभी राजयोग पढ़ाए जाएंगे। सारे राजयोग पढ़ाए जाने हैं, सारे धन योग पढ़ाए जाएंगे, पंच महापुरुष राजयोग पढ़ाए जाएंगे। क्लियर है? पंच महापुरुष राजयोग पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद धन योग पढ़ाए जाएंगे, सारे के सारे। और हर लगन का मैंने एक सूत्र सिखा देना, आप खुद बताओगे क्लास में, इसके इतने सारे बन गए जी धन योग हर लगन के। फिर आपको क्या है कि हमको दिक्कत का क्या आती है कि हमें बाधक पति नहीं पता। मारक पता है, द्वितीय भाव मारक है, सप्तम भाव मारक है, और भी हाउसेस मारक होते हैं, केवल द्वितीय और सप्तम मारक नहीं होते। फिर बाधक पति भी देखना है हमें, बाधक पति कौन है भाई? अगर मिथुन लगन में जो है बृहस्पति लगन में आ जाए, कंफर्ट जोन में आया, बृहस्पति लगन में आया, बहुत अच्छी बात है। पर ये बृहस्पति परेशानी भी देगा लाभ के साथ, ये भी याद रखिएगा। हर लगन के अलग मीनिंग है। यहां बृहस्पति ले आते हैं क्योंकि लगन में बृहस्पति शास्त्र में लिखा, आप सारे ज्योतिष ग्रंथ पढ़ लीजिए, 1 लाख दोषों को दूर करता है। पर ये कैसे भूल गए? वो लग्नेश का शत्रु है, ये कैसे भूल गए आप? मेरे को यही बारीकियां समझानी है। वो कितना शुभत्व देगा, कितना अशुभत्व प्रभाव देगा, दैट आई हैव टू टेक अप इन द क्लास। फिर हमें मांगलिक दोष, मंगल दोष पढ़ना है। अगर मेष राशि है और मंगल बैठा है, पर्सन मंगलिक नहीं है, इसने पंच महापुरुष राजयोग बना रखा है। मेष का मंगल लगन में मांगलिक दोष नहीं देता है, शादी की जा सकती है नॉन मंगलिक से, मतलब ही नहीं है। मंगल का इस जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल लगन में, उसको परेशानी मंगल देगा, बाकियों के लिए नहीं है। उसको अपना डाइट चार्ट ठीक करना है, अग्नि तत्व वाले अन्न जल का त्याग करना है। परंतु मेष का मंगल लगन में बैठा हो ना, चेक कर लो, अगर किसी का है मुझे शेयर करे अच्छा लगेगा। ऐसा आदमी स्पाइसी खाना पसंद करता है, मिर्ची नहीं है खाना ही नहीं मजा आ रहा। अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि है, तो मांगलिक दोष मुझे सारे पढ़ाने हैं। फिर उसके बाद साढ़े साती सिखानी है, ढैया सिखानी है, साढ़े साती ढैया, ये सब सिखाया जाएगा आपको। सारे राजयोग, धन योग, साढ़े साती, मांगलिक दोष, ये सब सिखाया जाना है आपको। ऐसा नहीं है थोड़ा सा सिखा दिया जाएगा। फिर क्लास की लास्ट क्लास के अंदर राम जी की कुंडली लगाऊंगा, और कुंडली पढ़ते कैसे हैं वो सिखाया जाएगा। 12 लगन जब आप सीख लोगे, उसके बाद राम जी की कुंडली, जो कि ये यूनिवर्सल कुंडली है, उससे ग्रह पड़े कैसे जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन आंसर होगा क्लास में, बताइए राम जी की कुंडली में राजयोग बताइए, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया तो मैं पूछूंगा ना। ऐसा नहीं है पैसे लिए आपको पढ़ाया, भागो जान छोड़ो मेरी, ये नहीं होता है तरीका। और मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, ये याद रखिए, ये नियम है मेरा। सारे आइए, किसी को दिक्कत है बीच में मुझे टोक सकता है, सर समझ नहीं आया, मैं मेरे को दोबारा बता दीजिए, मैं बता देता हूँ आराम से। परंतु मैं ये चाहता हूं, मेरे काफी पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज खुद पढ़ा रहे हैं और कई कंसल्टेंसी दे रहे हैं, मेरे को दिल से खुशी होती है। मैं उनको सपोर्ट करता हूं, आगे बढ़ो भाई, ऐसा नहीं है। समझाना और समझना दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे चलते हैं, केंद्र के स्थान को विष्णु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु। और त्रिकोण के स्थान को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी। अब लग्न का स्वामी
और भाग्य का स्वामी, लगन का स्वामी कौन हुआ? बुध। भाग्य का स्वामी कौन हुआ? सॉरी, लगन का स्वामी हुआ शुक्र, मेरी गलती है, एडमिटेड। और भाग्य का स्वामी हुआ बुध। ये दोनों इकट्ठे कहीं भी बैठे हैं, इट क्रिएट्स वन ऑफ द बेस्ट राजयोगा। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह की युति राजयोग देती है, बहुत शानदार राजयोग क्रिएट करती है ये युति, आपको जीवन में प्रॉस्पेरिटी देती है। क्लियर है? अब मान लीजिए भाग्य का स्वामी बना बुध, धन का स्वामी बना मंगल। देखिए दो शत्रु ग्रह हैं, बुध और मंगल में शत्रुता है, मान लीजिए बात हमने। ये दो प्रकार के फल देगा आपको, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा क्लास में, दो प्रकार के फल देगा। कैसे दो प्रकार के? दोनों शत्रु हैं, लड़ेंगे, पर भाई साहब ये धन योग भी है, मंगल धन का मालिक है और भाग्य के साथ बैठा है, तो भगवान ने आपके भाग्य में धन लिखा है। लेकिन आप कह रहे हैं सर मेरे को तो नहीं मिल रहा, क्योंकि ये शत्रु है, कष्ट से मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, ये पक्का है, कष्ट से मिलेगा पर मिलेगा जरूर, ये पक्का है, क्योंकि युति बनी है ना, ये धन की युति बनी है, किसके साथ? भाग्य के साथ। बात क्लियर हुई? सिंपल सी चीजें हैं, हमको समझना है, हर एक चीज बारीकी से पढ़ाऊंगा मैं। फिर आते हैं रिक्ता तिथि पर, मैं तिथियां भी पढ़ाऊंगा आपको क्लास के अंदर। रिक्ता तिथि, पूर्णा तिथि, भद्रा तिथि, नंदा तिथि, ये तिथियां क्या है? रिक्ता तिथि मैं सबको पढ़ा देता हूं यहां पर, बथेरों का आप कल्याण करें, मुझे खुशी होगी। रिक्ता तिथि होती है, आइए एक सेकेंड मैं दूसरी जगह ले लेता हूं, यहां की बजाय मैं प्लेन ले लेता हूं, हाँ यहां ले लेता हूं, इससे इजी हो जाएगा। हाँ जी, रिक्ता तिथि आप पढ़िए, सबका भला करिए। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, भगवान श्री राम नवमी चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथि को पैदा हुए थे। वो राम थे, भगवान थे, विष्णु अवतार थे, जीवन संघर्ष में चला गया, हम तो कलयुग के प्राणी हैं। आप रिक्ता तिथि को पैदा हुए, कुंडली तो बाद में देखो, जीवन तो वैसे ही संघर्ष में चला गया। नेवर स्टार्ट एनी पॉजिटिव थिंग ऑन ए रिक्ता तिथि, रिक्ता मीन्स खाली। प्रकृति ने दो नियम रखे हैं, जैसे आपके घर में जो बिजली आ रही है ना, एक तार ठंडी होती है, एक तार में करंट होता है, भाई एक तार को तो छू सकते हैं, दूसरी को छुएंगे तो परमात्मा के दर्शन भी हो सकते हैं आपको, क्योंकि उसमें करंट है। तो ऐसे रिक्ता तिथि क्या हुई? अशुभत्व देगी कोई भी, जैसे किसी ने शादी रिक्ता पे कर ली तो भैया शादी तो खत्म हो गई तुम्हारी, किसी ने रिक्ता तिथि पर व्यापार प्रारंभ कर दिया, खत्म हो गया व्यापार, तो रिक्ता तिथि जो है वो गड़बड़ कर देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिक्ता तिथि का लाभ कैसे लूं मैं? रिक्ता तिथि का लाभ कैसे ले सकते हैं? आप बीमार हैं तो रिक्ता तिथि को डॉक्टर के पास जाइए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपने किसको रिक्त करना है? बीमारी को। सपोज आपने अपने मामा जी से या किसी अंकल से या किसी फ्रेंड से लोन लिया, आप चाहते हो मेरा लोन जल्दी उतर जाए, खाम खा के उल्टे सीधे उपाय मत करा करो, उसकी पेमेंट रिक्ता तिथि को कर दो, चतुर्थी को, नवमी को, चतुर्दशी को कर दो रिक्ता तिथि को। क्लियर है? तो रिक्ता तिथि को जब आप पेमेंट कर देंगे तो लोन जल्दी उतर जाएगा। हर एक पक्ष के दो पहलू होते हैं, हमें दोनों पहलू को समझना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं, मैं फिर से चार्ट लेकर आया हूं। अब क्या होता है कि मान लीजिए दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में शुक्र बैठ जाए, या 12वें घर का स्वामी बुध यहां बैठ जाए अष्टम, इससे विपरीत राजयोग कहते हैं। लेकिन ये वर्क कैसे करता है?
मोदी जी की जो कुंडली है ना नेट पे, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, गलत है, वो असली कुंडली नहीं है उनकी। मोदी जी ने जो तरक्की करी है वो विपरीत राजयोग के कारण करी हुई है, उनकी कुंडली में सारे विपरीत राजयोग है। पता नहीं लोग कैसे अपनी एस्ट्रोलॉजी चला रहे हैं, गलत कुंडली है, वृश्चिक लगन नहीं है मोदी जी का, विपरीत राजयोग के कारण वो बने हुए हैं प्रधानमंत्री। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा एस्ट्रोलॉजी से लेना देना। फिर अब मैं एक फिर से एक लास्ट बारी मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि तो इसके बाद मेरा 1-8 बजे जो है मांदी की है। मांदी किसी को पता नहीं है, केरल में ही पढ़ाई जाती है वो, सिर्फ तमिलनाडु में कुछ जगहों पर। अब ये क्लास स्टार्ट होगी जो है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी जो क्वेरी है वो मेरे से पूछे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन होगा, मैं आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये क्लास स्टार्ट होगी 9 अक्टूबर 23 को 7 PM, 5 डेज का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। सिंपल सी बात है, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। नंबर 3, आपको यूट्यूब फॉर्म में लाइफ टाइम के लिए क्लास मिलेगी, यूट्यूब में लाइफ टाइम के लिए आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको बुक मिलेगी, 124 पेजेस की बुक मिलेगी, 124 पेजेस की। इससे बाहर एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बेसिक कम एडवांस। इसमें मैंने खूब सारी एडवांस चीजें भी दे दी हैं गिफ्ट के रूप में, आप पढ़िए और एंजॉय करिए भाई जी। उन लोगों को भी तो भला करना है ना जिनको थोड़ी बहुत आती थी पर कंफ्यूज थे। फिर इसके बाद जो है आपको क्या है कि फीस की जो है वो आपकी है 2577, ये इसकी फीस है। सिंपल सी बात है, ई सर्टिफिकेट है, यूट्यूब फॉर्म में आपको लाइफ टाइम क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बुकलेट मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी, ठीक है। और ये 9 अक्टूबर कल यानी मंडे से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जिसकी जो क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं, पर आपको जो है वो ऑन करना है कैमरा, ये विनती है मेरी। किसी की भी कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। गुरु जी नमस्कार। अरे नमस्कार सुब्रतो जी, हाउ आर यू फाइन सर, फाइन सर। गुरु जी? जी बुकलेट अब दिखा है, वो तो हिंदी में दिखा है, इंग्लिश में मिलेगा? नहीं, बुक तो हिंदी में अभी ड्राफ्ट किया हुआ है, इंग्लिश में ड्राफ्ट नहीं किया सर, सॉरी सुब्रतो जी। हम लोग को तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मुझे चाहिए। ड्राफ्टिंग के लिए लगाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत लगी है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव अ क्वेरी रिलेटेड विद द हिंदी, इजंट इट, एज यू नो। सो मुझे टाइम लगेगा, आई विल मेक अ रिक्वेस्ट टू माय डिजिटल पर्सन दैट काइंडली कन्वर्ट इनटू द इंग्लिश। हाँ नेहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने एंड से, सर बोलिए। मेरे को एक बार, सर मेरे को एक बार अब रिपीट वाणी क्लास नहीं आ रही, रिपीट वाणी मेरी तरह बोलिए ना, प्रचंड वाणी। सर मेरे को एक बार रिक्ता तिथि और पूछो कि रिक्ता तिथि 4 और 9 डेट को रिक्ता तिथि बता बोल फोर दो। नाइन एंड 14, चतुर्थी नवमी चतुर्दशी, ये रिक्त तिथियां होती हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी आरती प्रभाकर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्कार नमस्कार जी। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप दशाएं भी सिखाएंगे क्या? नहीं, ये तो बेसिक हम है, वो तो थर्ड लेवल पर है, अभी तो लेवल वैदिक 1 है ये, वो तो थर्ड लेवल पर आएगा, इसके बाद तो लेवल 2 आएगा। सर मेरे को नहीं है, एडवांस सुनना है, ये है? वैसे मैं कर चुकी हूँ पूरा कोर्स, पर एक बार आपसे और सीखना है मुझे, तो वेरी गुड। मैं अब आप मुझे एडवांस फंक्शनल एडवांस मैलाफिक करना चाहती बताइए, हूँ। फंक्शनल मैलाफिक बताइए, हर लगन का। अच्छा मेरे को सिंह लगन का फंक्शनल मैलाफिक बताइए, आपको आता है ना एस्ट्रोलॉजी, बताइए। हाँ हाँ सर, मैलेफिक प्लेनेट वही होते हैं जो जैसे राहु, केतु, हाँ बस शनि, ठीक है, नौ मंगल। के नौ ग्रह फंक्शनल मैलेफिक होते हैं, नौ के नौ ग्रह। क्लास में आइए मैं सिखाऊंगा ना, सभी लोग यही कहते हैं। मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर थे, बोल रहे थे 15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने कहा एक बार गलती से पे तो कर लो। उन्होंने पे किया तब जाके पता लगा कि ये इतने सारे क्लेश हैं। मैं असली चीजें तो रिवील भी नहीं की हैं आपको, वो तो क्लास में रिवील करना है मुझे, क्योंकि हम गलती कहाँ करते हैं वो बताना है मुझे, उन लोगों को भी जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। हाँ सर, मैं इसीलिए बहुत कुछ नयापन सुना आपके ऊपर, तो मुझे ये लगा कि ये भी पूछ लिया जाए आपसे दशा के बारे में। हाँ नहीं, मैं तो देखो जी, अभी तो इसके बाद नमांचा आएगा, आत्मा, अभी तो शरीर पढ़ना है, क्योंकि लगन कुंडली आपके शरीर को बताती है,
और नम्बर्स जी कुंडली आत्मा को बताती है, उसमें डिविजनल चार्ट पढ़ाने हैं, सर, D10 है, D2 है, D30 है, ये सब पढ़ाऊंगा। जी उसके बाद दशा का रोल आता है, दशा नहीं अकेली पढ़ाता, दशा नक्षत्र गोचर चार चीजें पढ़ाता हूँ, डिग्री चार चीजें आएंगी। तो थैंक यू ये सर। चीज है, बाकी वो अलग बात है। आप 20,000 रुपए दे के कोर्स करो, मैं कहता हूँ भैया 2,577 का, आपको अगर एस्ट्रोलॉजी समझ में आए तो आगे बढ़ो, अपने पैसे वेस्ट मत करो। आप कहीं पे चले जाओ, 12, 15, 20 हजार रुपए आपने लगा दिए, बट आपको समझ नहीं आया, अब आप बैकआउट ही करोगे, योर मनी हैज गॉन वेस्ट, इसमें वेस्ट कुछ नहीं है। हाँ जी संजय छाबड़ा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, बताएं सर। ये जो कोर्स होगा ये सिर्फ अपना 5 दिन का होगा, हाँ 5 दिन का हो गया। तो जितना ये आपने बताया ये 5 दिन में कवर होगा या 5 दिन में सिर्फ बिल्कुल कवर बेसिक हो होगा? जाएगा, आराम से कवर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने का तरीका स्टार्टिंग आना चाहिए और बेसिक, समझाने का तरीका आना चाहिए, स्टार्टिंग बेसिक से होगा, बेसिक से होगा, ABCD से होगा। आपको ABCD पहली से। क्लास ओके में PDF मिल जाएगी, किताब मिल जाएगी, सर और राशियों के नमस्कार। बारे में इतना कुछ लिखा है तो उसके अंदर आपने देखा है 60 पेजेस तो राशियों के बारे में। आप पढ़िए राशियों के बारे में, जी जी भाव के बारे में पढ़िए, भाव और ग्रहों के जी गुण धर्म क्या है उनके बारे में पढ़िए, आपको सब मिल तो गया रेडीमेड, ओके आपको रेडीमेड मिल गया, और उससे आगे क्लास में पढ़िए, वो तो आपके पास आ ही गया, रीड करिए, हिंदी में इजी लिखा हुआ है मैंने। जी सर, सर मांदी का, अभी आपकी मांदी स्टार्ट होने हाँ वाली बस है अभी सर, 8-5 में मैं मांदी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका वो लिंक ही नॉर्थ नहीं इंडिया के है अंदर अभी कोई नहीं जानता। जी सर, उसका लिंक कहाँ ढूंढूं? आप मेरे को व्हाट्सएप पर हेलो हाय लिख दीजिए, मैं अभी भेज देता हूँ आपको विद इन ए जी मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग दिस सर। वेबिनार, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट।